कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। रात्रि बेला में हम सभी के सम्मुख आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, हम सब बच्चों को दो ही बातों से ज़्यादा प्यार होता है, एक बाबा के ईश्वरीय महावाक्य या प्यारा प्यारा मीठा बाबा या मीठी टोली। आदरणीय भ्राता जी, जो टोली विभाग में टोली की व्यवस्था करने में सुचारू रूप से कार्यरत हैं, ज्ञान सरोवर और शांतिवन में टोली डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं। अभी हम ज्ञान खजानों से भरपूर होंगे। आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है अलौकिक अनुभवों की अनुपम पूंजी। संगम युग में बाबा ज्ञान के सागर हमें उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं और उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रेष्ठ अनुभव की पूंजी। जितना इस जीवन में हम श्रेष्ठ अनुभव की पूंजी से भरपूर होते जाते हैं, उतना ही निर्विघ्न रीति से संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अलौकिक अनुभवी हमेशा माया के धोखों से सुरक्षित रहते हैं और ऐसे अनुभवी आत्माएं अंत में भी हलचल के वातावरण में अपनी स्थिति अचल और अडोल बनाने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण अंत तक वे अपने श्रेष्ठ स्थिति के आधार से बेहद सेवा करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, वे परमात्मा के प्रत्यक्षता के महान कार्य में भी विशेष हाथ बटाते हैं। तो ऐसे अनुभवी हम कहां तक बने हैं, या अलौकिक अनुभव की पूंजी से कहां तक हम भरपूर बन चुके हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए अनुभवी आत्माओं की हम कुछ निशानियां आपके समक्ष रखते हैं।
मुख्य अनुभवी आत्माओं की 5 निशानियां हैं। और भी निशानियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्य 5 निशानियां हमें अनुभवी आत्माओं में दिखाई देती हैं। सबसे पहले निशानी है, अनुभवी आत्माएं हमेशा नारायणी नशे में रहते हैं। क्योंकि अलौकिक अनुभव की पुंजी के आधार से हमेशा वो नारायणी नशे में रहते हैं। हम देखते हैं दुनिया में जितना वो धनवान होता है वो अपने धन के नशे में रहता है। तो ऐसे ही अनुभवी आत्माओं के पास श्रेष्ठ अनुभव का धन होने के कारण वो हमेशा कापारी खुशी में तथा बेहद नशे में रहते हैं। छोटी मोटी बातें या समस्याएं उनके नशे पर प्रभाव नहीं डालती हैं। और विशेष संपन्नता तथा संतुष्टता की चमक उनके चेहरे पर सदा दिखाई देती है। दूसरी निशानी है, अनुभवी आत्माओं का जीवन अलौकिक अनुभव से हमेशा रोचक तथा रोमांचित बनता जाता है। हम देखते हैं कई बाबा के बच्चे बनते हैं, इस मार्ग पर चलते भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बाबा के पास आना छोड़ देते हैं, टूटते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। इसका कारण है श्रेष्ठ अनुभव की पूंजी की कमी। क्योंकि अनुभव हमारे जीवन को रोचक तथा रोमांचित बनाते हैं, जिससे हम वर्तमान ईश्वरीय जीवन का भरपूर आनंद लेते हुए अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। रूखापन तथा उदासी ऐसे अनुभवी आत्माओं के जीवन में कभी भी नहीं आती है। इसलिए हमें चेक करना है कि क्या ऐसा रोचक जीवन, उमंग और उल्लास भरा, हर्ष भरा जीवन हम कहां तक अनुभव करते हैं। तीसरी निशानी है, अनुभवी सदा आत्म उत्कर्ष में मग्न रहता है। वो दूसरों को देखकर अपना अमूल्य समय तथा एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। सदा आत्म उत्कर्ष में
अर्थात आत्मोन्नति के ही मार्ग पर चलता रहता है, आत्मोन्नति के ही बातें सभी के साथ करता रहता है। इधर उधर वो ध्यान नहीं देता है, इसलिए अपनी घोड़ तो नशा चढ़े यह युक्ति उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। चौथी निशानी है अनुभवी दुआओं के पात्र बनता है। अनुभवी आत्मा के पास जो श्रेष्ठ अनुभव होते हैं वो दूसरों को जब सुनाते हैं तो दूसरों के मन में साहस तथा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उमंग और उल्लास की लहर उत्पन्न होती है जिसके आधार से वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय जिससे उसको प्रेरणाएं मिलती हैं, सूक्ष्म मदद मिलती है, उस अनुभवी आत्मा के प्रति उसके दिल में दुआ स्वतः ही उत्पन्न होती है। क्योंकि अनुभवी आत्मा उदाहरण तथा उद्धार मूर्त बनता है, कईयों के सामने वो उदाहरण मूर्त बनता है, कई आत्माओं का वो उद्धार करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए ऐसे अनुभवी आत्मा प्रभु पसंद तथा लोक पसंद भी बनती हैं, क्योंकि प्रभु जो हमें इतना ज्ञान देते हैं वो चाहते हैं इस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण किसी न किसी आत्माओं के द्वारा दूसरों के सामने रखा जाए। वो आश अनुभवी आत्माएं पूरी करते हैं, इसलिए परमात्मा के दिल की दुआएं वो प्राप्त करते हैं। पांचवी निशानी है अनुभवी आत्माएं उनके पास जो अनुभव होते हैं वो अनुभव उन्हें सुरक्षित संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे ले जाते हैं। क्योंकि अनुभवी आत्मा भूत के चिंतन से और भविष्य की चिंता से मुक्त रहने के कारण वर्तमान समय का वो पूरा लाभ उठाता है, ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर करता है। इसलिए वो माया की गलियों में भटकता नहीं है, माया की फागी में फंसता नहीं है, इसलिए निर्विघ्न रीति से सुरक्षित रीति से वो संपूर्णता की ओर आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि अनुभव के आधार से उसमें विशेष चतुराई होती है। चतुर सुजान बाबा का वो मास्टर चतुर सुजान बच्चा बनता है, इसलिए माया की दुनिया में रहते हुए दुश्मन के राज में रहते हुए भी वो अनुभव के आधार से
सुरक्षित रीति से आगे बढ़ता ही रहता है। तो ये विशेष पांच निशानियां अनुभवी आत्माओं की हैं। वैसे तो बाबा हमें अनुभव की खान देते हैं, लेकिन अनुभव की पूंजी अगर हमें अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए विशेष सात मुख्य अनुभव हमें बढ़ाते रहने हैं, जिन अनुभव के आधार से विभिन्न प्रकार के अनुभव जीवन में बढ़ते ही रहेंगे। तो सबसे पहला अनुभव है सूक्ष्म वतन का अनुभव। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया होने के कारण जहां हमारे ब्रह्मा बाप रहते हैं सूक्ष्म वतन में, वो हमारा घर कहलाता है। तो मैंने गुलजार दादी जी से 90 में ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि यज्ञ में सबसे पहले दादी गुलजार जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। तो मैंने पूछा था आखिर की वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने बताया था सूक्ष्म वतन चंद्र सूर्य तारागण से पार ऐसा एक वतन है, ऐसी एक सुंदर दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश फैला रहता है। फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों की भाषा होती है, होठों के मूवमेंट्स की भाषा होती है, और वो सूक्ष्म वतन की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती है। तो ऐसे सूक्ष्म वतन में स्वयं का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें इमर्ज करना है और उस सूक्ष्म वतन का अनुभव करते रहना है, फरिश्तों की दुनिया का अनुभव करना है। क्योंकि जितना बुद्धि से हम उस दुनिया में रहते हैं उतना हमारा उस वतन पर अधिकार स्वतः ही होता है। इसलिए वो सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हमेशा इमर्ज रहना जरूरी है। दूसरा अनुभव है परम धाम का अनुभव। परम धाम ऐसा एक ऊंचा धाम है जहां सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश सदा रहता है, दिव्य प्रकाश सुनहरी लाल सदा रहता है, चारों ओर शांति का ही सन्नाटा छाया हुआ रहता है। ऐसे विशाल परम धाम को बुद्धि रूपी नेत्र से देखें और वहां स्वयं को इमर्ज करके वहां के वातावरण को अनुभव करते रहें, डीप साइलेंस को, स्वीट साइलेंस को, डीप साइलेंस को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। क्योंकि कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि पहले परमधाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो,
तो घर का अनुभव होने से बाबा की याद सदा सहज हो सकती है। तीसरा अनुभव है, जो नई दुनिया वैकुंठ है उस नई दुनिया को भी हम अनुभव करें। सृष्टि के ग्लोब पर भारत इमर्ज है और उस भारत देश में हम देवताओं के रूप में अपना राज कर रहे हैं और बहुत सुंदर जो पांच तत्वों का राज है, सत्व प्रधान राज है, उन तत्वों का हम आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, पुष्पों की सुगंध है चारों ओर, बहुत सुंदर दिव्यता है और महलों में हम जा रहे हैं, राजाओं के सिंहासन पर बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अनुशासन कर रहे हैं, 56 प्रकार का भोग खा रहे हैं और पुष्पक विमानों में घूम रहे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर विचार मन में लाकर नई दुनिया की भी सैर करते रहें। इस अनुभव को बढ़ाने से विशेष लाभ क्या होगा, हमारे राजाई संस्कार सहज ही धारण होते जाएंगे। तो ये जो तीन दुनिया है, इन्हों का अनुभव अच्छी तरह से बढ़ाते रहने से ये जो पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि बहुत उच्च कोटि के तपस्या की अनुभूति के लिए, गहन तपस्या के लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य वृत्ति का। ये जो पुरानी दुनिया से सतही हमारा बुद्धि का लंगर उड़ता रहेगा तो बाबा को हम अपनी दुनिया, बाबा को हम अपना संसार अनुभव कर सकेंगे। इसके साथ चौथा अनुभव, आत्मा का अनुभव। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के सत्य स्वरूप को देखें कि मैं एक ज्योति बिंदु चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। मुझ चैतन्य सितारे से सुख शांति प्रेम पवित्रता की किरणें प्रकाश के रूप में, प्रकंपन के रूप में निकल रही है और बहुत गहन आत्म अनुभूति हो रही है। इसकी अनुभूति को बढ़ाते रहने से आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो प्रभा मंडल है, वो दिव्य और भव्य बनता जाएगा। परिणाम स्वरूप इस देह से ममत्व मिटता जाएगा। अपनी देह से ममत्व मिटाना ये बहुत जरूरी बात है। जो अपनी देह से एक सेकंड में न्यारे हो सकते हैं, वही एक सेकंड में बाबा से प्यारे हो सकते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो इस अनुभव को हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चलें। पांचवा अनुभव है,
परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा का मिलन अनुभव करना। सबसे पहली बात है परमात्मा का दर्शन करना, अर्थात परमात्मा के सत्य स्वरूप को बुद्धि रूपी चक्षु से स्पष्ट और गहराई से देखें कि इतना बड़ा जो विशाल परमधाम है, उस परमधाम में मेरा प्यारा बाबुल, मेरा प्राणनाथ प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम बाबा विराजमान है। बहुत अच्छी तरह से बाबा के स्वरूप को देखते रहो और बाबा की सुंदरता को निहारते रहो कि कैसी बाबा की पर्सनैलिटी है, कैसा बाबा का मन है, कैसे बाबा की बुद्धि है, कैसे बाबा के संस्कार हैं। इस तरह से बाबा का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से देखें और साथ साथ अनुभव भी करते रहें। बाबा कई बार मुरली में कह चुके हैं कि मेरे बच्चों में से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और याद करते हैं। क्यों बाबा कहते हैं? जरूर इसके पीछे कुछ राज हैं। तो बाबा को पहचानना अर्थात बाबा के स्वरूप को जानना, बाबा के पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जानना, बाबा की विशेषताओं को जानना, शक्तियों को जानना, गुणों को जानना, संपूर्ण रीति से जब बाबा को हम जानते हैं तो उसकी निशानी है, उसका प्रमाण है हमारे दिल में उसके प्रति प्यार का झरना बहने लगता है। और वो दिल का जो प्यार है एक बाबा के तरफ ही समर्पित होता जाता है। किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ बुद्धि न जाते हुए एक बाबा के तरफ ही पूर्णतया प्यार को समर्पित करना, ये है अनुभवी आत्मा की निशानी। तो बाबा के साथ मिलन का अनुभव भी हमें बढ़ाना है। क्योंकि वर्तमान समय की पुकार है, कौन से पुकार है कि साधारण योग ही न हो हमारा लेकिन ज्वाला स्वरूप योग हमारा हो। योग की ज्वाला योगाभ्यास में अनुभव करते हुए जो भी माया के अंश है आत्मा में उनको हम जड़ से समाप्त करते रहें, वो वर्तमान समय की पुकार है। लेकिन उसके लिए बाबा का स्वरूप जो है शक्तिशाली अनुभव करना है, साथ साथ बाबा के सामने भी शक्तिशाली रूप में अनुभव करना है, जिससे ऑटोमेटिक बाबा से अथाह शक्तियां आत्मा की ओर आने लगेगी और आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण करती जाएगी। तो समय कहता है इस प्रकार से शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति बढ़ाते रहना। और सातवीं अनुभूति है
सातवीं अनुभूति है सूक्ष्म वतन अनुभव करने के साथ बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाना, क्योंकि भगवान के साथ जितना हम अपना संबंधों का अनुभव बढ़ाते हैं उतना इस साकारी दुनिया से हम न्यारे होते जाते हैं, लौकिक रिश्तों नातों से परे हो जाते हैं। इसलिए जो वर्तमान समय हमें गोल्डन चांस मिला है स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना, उस गोल्डन चांस का पूरा पूरा हमें लाभ लेना है, क्योंकि ये चांस केवल हमें एक ही बार मिलता है। भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना, ये चांस हमें एक ही बार मिलता है सारे क्लब में। इसलिए सभी ध्यान से देखेंगे तो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते हुए आत्मा को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अंतिम समय हमारी बुद्धि को खींचने वाली बातें, बुद्धि पर वार करने वाली बातें बहुत आएगी, फिर भी हमें सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाने के कारण एक ही बाबा से सर्व प्राप्ति करने का अनुभव बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सात मुख्य अनुभूतियां हैं। ये अनुभूतियां जितनी हमारी गहराई से बढ़ती जाएगी उतनी और भी दिव्य अनुभूतियां हमारे जीवन में हमें होती रहेगी। हमारा धर्म है ईश्वरीय सेवा करना। ईश्वरीय सेवा पर जब आप उपस्थित रहेंगे तो आपके पास दिव्य अनुभव की पूंजी होने से आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, आपको बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां भी होती रहेगी। लेकिन आवश्यकता है ये जो मूल 5-7 मुख्य अनुभव हैं उनको बढ़ाते रहने की। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी जो है वो तीनों लोगों की सैर करता है, दूर परम धाम में भी निवास करता है बुद्धि के द्वारा। इसलिए अनुभवी सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। तो इस ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं वो है जिन्हों के पास अनुभव का धन प्रचुर मात्रा में है। ज्ञान तो बाबा ने हमें दिया है, ज्ञान है थ्योरी और अनुभव है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। तो ज्ञान की ब्यूटी अनुभव बढ़ाने में ही है। जितना हम ज्ञानी बनते जाते हैं उतना अनुभव हमारे बढ़ते जाते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, बाबा की याद में रहने का स्वतः ही अनुभव हमारा बढ़ता जाता है। तो अभी हम चाहेंगे ये जो 7 प्रकार के अनुभव हैं वो अनुभव हम अभी करेंगे,
क्योंकि बाबा की लहर यही चल रही है, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो क्या आप इसका अनुभव करना चाहेंगे अभी योगाभ्यास के द्वारा? बोलो, पक्का? हाथ उठाओ, करना चाहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अभी बिल्कुल शांति में हम बैठेंगे, समय की तरफ नहीं देखेंगे और ऐसा ही समझेंगे प्रातः अमृत वेले का 4 बजे का योगाभ्यास में हम बैठे हैं। बहुत चुस्त होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे और बाबा की मस्ती में खो जाएंगे। ओम शांति। मैं हूं देह से न्यारा, एक चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा। मैं अति सूक्ष्म, चमकता हुआ जगमगता हुआ दिव्य सितारा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य बिंदु हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश प्रकंपन के रूप में चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का दिव्य तथा भव्य ताज धारण किया है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक चैतन्य बिंदु सितारे के रूप में ही है। मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य तथा अविनाशी स्वरूप को देख रही हूं, साथ साथ अनुभव भी कर रही हूं। कितनी सुंदर है ये आत्म अनुभूति।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया से पार, फरिश्तों की दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारागण से पार जा रही हूँ। ओह कितना सुंदर है ये सूक्ष्म वतन, चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा के ब्रुकटी में प्राण प्यारे शिव बाबा भी विराजमान है। स्नेह के सागर बाप दादा, अति स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। बाबा के नैनों में स्नेह के पवित्र मोती चमक रहे हैं। सुखिलते बच्चे, इस सूक्ष्म वतन में आपका सदा स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मेरे साथ करते रहो। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़ते हुए परम धाम की ओर जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओह कितना सुंदर है ये शांति धाम,
चारों ओर सुनहरे लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है ये मेरा घर। कितना सुंदर है ये मेरा प्यारा वतन, मूल वतन। ओह, मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। सचमुच परम सुंदर मेरे बाबा है। बस दिल कहता है बाबा को देखती ही रहूं, बस निहारती ही रहूं। बाबा हे मेरे प्राणेश्वर बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे मिलेंगे। मैं दुख के सागर में आत्मा गोते खा रही थी, माया की राज में चिल्ला रही थी, और मेरे प्राण प्यारे बाबा आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। बाबा और मेरी अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी दे रहे हैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा आपने जो मुझ पर एहसान किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे नैनों के नूर हो बाबा। बाबा मैं खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। खुदा से मुझे दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती। मैं शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं। Thank you.
बाबा शांति के सागर हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति सागर से अथाह शांति की लहरें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है, हो रही है। बाबा शक्तियों के सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर शावर के रूप में पड़ रही है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हो रही है, योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे, मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट हल्की अनुभव कर रही हूं, शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तियों के किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मीठे बाबा बस दिल कहता है कि आपके ही संग में शक्तियों के रंग में रंगती रहूं, आपके ही संग में हर पल हर घड़ी बिताती रहूं, कितनी सुंदर और गहन अनुभूति है ये, आपने मुझे सब कुछ दिया बाबा, पाना था सो पा लिया बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया,
मैं भरपूर हो चुकी हूं। ओम शांति।